तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसे कि आपको पता है, न्यू ईयर आने वाला है। यदि आप इस टाइप के वीडियो बनाते हैं टिकटॉक पे, आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आ सकता है। तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो के लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 10 सेकेंड के आसपास कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इस वीडियो को हमें फुल साइज कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, लास्ट पॉइंट पर आ जाना है और सबसे पहले बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। हमें एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से देखते, जैसे कि आपको ग्रीन स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2.6 पे, तो 2.6 के सामने आपको आ जाना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे एक फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने एक फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देते हैं। तो सिंपल इस तरह से हमें एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप हमें कर देना है। इसके बाद इसे डन करते हैं। डन करने के बाद इसे आपको ऊपर की तरफ लेकर आ जाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करना, इसे हमें लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देते हैं। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ पे आपको डिलीट के ऊपर की का एक ऑप्शन मिल जाता है, की पे क्लिक करेंगे। इसको इस तरह से हम हल्का आगे की तरफ करेंगे और इसे हम इस तरह से हल्का हल्का नीचे की तरफ करते रहेंगे। और इसको लास्ट में हमें इस तरह से बिल्कुल सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर देना है, और यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सही तरह से एडजस्ट आपको कर दिया हूँ। इसके बाद इसे हमें डन कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, क्रोमा की पे क्लिक करना है, क्रोमा की को इनेबल कर देना है, कलर की पे आना है, यहाँ पर आपको ग्रीन सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद इसे हमें डन कर देना है। इसके बाद हमें करना क्या है, फिर से हमें फोटो क्लियर पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमा की है जो सही से इनेबल नहीं हुआ है। फिर से हमें ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे, आप हमें यहाँ पे सही तरह से आपको एडजस्ट आपको कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रोमा की को प्रॉपर इनेबल कर दिया हूँ। तो इस तरह से आपको क्रोमा की को एडजस्ट आपको कर देना है। और देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ पे देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ पे म्यूजिक ऐड है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहे हैं तो आइडियो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करते ही आपको आइडियो नीचे आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, लास्ट तक लेकर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से आप कोई भी ये म्यूजिक ऐड कर सकते। तो मैं फिलहाल में मेरा म्यूजिक ऐड है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है और इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है।